हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। सब स्टूडेंट का भी स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3। हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट आते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टन सिस्टम्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं उस सारे पार्ट्स के बारे में, सबका स्ट्रक्चर और विथ फिगर और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, कैसा है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ओवरीज फर्स्ट हमारा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप सबको पता है कि जो ओवरीज होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो मेन पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट है। तो आपको पता है कि वन पेयर ओवरीज प्रेजेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जिसके अंदर से फीमेल गैमेट्स बनते हैं। जैसे हमने मेल गैमेट्स फ्रॉम लास्ट लेक्चर के अंदर बनाए, मतलब कैसे बनते हैं वो सारी प्रोसेस मतलब देखी। कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से पूरा जो हमारा स्पर्मेटोजेनेस की जो प्रोसेस है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख ली है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर आल्सो प्रेजेंट इन मेल ह्यूमन बीइंग एंड देन आई कैन एक्सप्लेन टू यू वन पेयर ऑफ द ovaries also present in female body, so its structure is a very attractive and very interesting topic. I will explain to this day. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region. Pelvic region hota hai human body ke andar, wahan pe जो वन पेयर ओवरीज आती है उसके साथ ओवरी डक होती है, यूट्रस आता है, कैर्विक्स आता है, वेजेनी आता है और एक्सटर्नल जो जिनेटाइल्स ऑर्गन है वो सब मिलकर ये पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज के बारे में पढ़ना है उसकी बात की गई है। उसके बाद ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विथ अ पेयर ऑफ मेमेरियन ग्लैंड, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मेमेरियन ग्लैंड भी आती है। जो एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आर इंटीग्रेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की प्रोसेस में सपोर्ट करती है, फर्टिलाइजेशन में एंड प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। प्रेगनेंसी के बाद बर्थ का जो केयर होना, मतलब बर्थ को खाने के लिए जो फीमेल का जो मिल्क आता है वो किसमें से प्रोड्यूस होता है, मेमोरी ग्लैंड में से। आई होप कि आप भी ये सब जानते ही है, ये नॉर्मली है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं ओवरी स्ट्रक्चर। आज हमने पढ़ने वाला है ओवरी स्ट्रक्चर, यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट ओवरी स्ट्रक्चर। जैसे जैसे पैराग्राफ चेंज होगा वैसे वैसे पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ओवरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ओवरी जो नॉर्मल ओवरी के बारे में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, मतलब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम एक बार देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर दी गई आपकी बुक्स में। तो ये आपकी वन पेयर ऑफ ओवरी, जैसे टेस्टिस थे ऐसे ओवरी है। यहाँ पे ओवरीज में थे ओव्यूल प्रोड्यूस हो गए और ओव्यूल इन फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब में भी तीन ट्यूब मिलके ये फेलोपियन ट्यूब बनती है। एक है इथमस, दूसरी है एम्प्यूला और तीसरी है, वन इज अ इथमस सेकेंड इज अ एम्प्यूला एंड थर्ड इज अ इन्फ्लुडी ब्लूम्स। ये तीन जो ट्यूब्स है उसको हमने ओवरी डक्स बोलते हैं, उसको हम ओवरी डक्स बोलते हैं जो फेलोपियन ट्यूब बनाती है। तीन ट्यूब मिलके ये फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात की, जो इस ओवरी में से जो ओव्यूल प्रोड्यूस होगा, मतलब जब गेमेटोजेनेसिस होगा तब ये ओव्यूल
इस फाइब्रेंस यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के जो आगे वाला पार्ट है वहाँ पे ये फाइबर्स उसको क्या करते हैं लाइक आपकी जो उंगलियां होती है फिंगर्स होती है उस टाइप का स्ट्रक्चर है ये जो ओव्यूल्स है उसको पकड़ के इस फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। इस फेलोपियन ट्यूब में से ये जो हमारा ओव्यूम है आगे बढ़ के कहाँ पे जाता है यूट्रस के अंदर चला जाता है और यूट्रस में हमारा जो मेल गेमेट्स होते हैं जो विजेनिया की हेल्प से मतलब विजेनिया से आगे आके जो हमारे मेल गेमेट्स मतलब स्पर्म है वहां पे आएंगे और यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करेंगे और यहाँ पे हमारा पूरा जो चाइल्ड है यूट्रस के अंदर डेवलप होने वाले। तो यूट्रस के बारे में हम बात करने यूट्रस का स्ट्रक्चर उसके बाद देखना है इस ओवरी का स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं हमें फर्स्ट टॉपिक हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर उसके बाद फेलोपियन डक्ट्स इथमस फाइबर्स एंड इंफ्रूडिबियम के बारे में हमें बात करनी है एम्प्यूला मतलब क्या है उसका स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद जो एक्सटर्नल ऑर्गन है सेक्सुअली में जो आपको फीमेल के अंदर बाहर से दिखते हैं लाइक मैं सेकेंड इमेज कर देता हूँ ये सिर्फ ओवरव्यू में दे रहा हूँ ये सब हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है। ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मतलब ऑर्गन है जो आपको बॉडी के मतलब फीमेल के जो बॉडी के बाहर के पार्ट है वहां पे दिखते हैं आप इस तरह के जो पूरी इमेज है उसमें लेबिया मेजोरा लेबिया मिनोरा हाइमेन सिट्रोया और बहुत सारे दूसरे भी पार्ट है हमें डिटेल के अंदर देखना है इसके बारे में हमें बात करनी है। और लास्ट हमारी है मेमोरी ग्लैंड उसके बाद लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड के बारे में ये दूसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है उसके बाद ये आपकी बुक्स के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर दिया गया है मेमोरी ग्लैंड के बारे में हमें बात करनी है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं ओवरीज का फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ओवरीज का उसके बाद हमें देखना है यूट्रस। इससे पहले हम ओवरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट्स ओवियम वो क्या प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स एंड सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स ओवेरियम हॉर्मोन्स आल्सो प्रेजेंट ये ओवरी में से ओवेरियम हॉर्मोन जैसे स्टेरॉइड्स हॉर्मोन प्रोड्यूस होते हैं ऑल्सो टेस्टिस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस थे और टेस्टोस्टेरॉन्स जो हॉर्मोन थे वो रिलीज करते हैं यहाँ पे जो हमारी ओवरीज है और स्टेरॉइड्स हॉर्मोन रिलीज करते हैं उसको हम ओवरियम हॉर्मोन बोलते हैं जो हेल्प करते हैं गैमेट्स बनाने के लिए गैमेटोजेनेसिस में। तो ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमल बॉडी के कौन से पार्ट में लोअर एब्डोमल में ये हमारी ओवरी लोकेटेड होती है हमें फिगर में दिखाया गया हम नेक्स्ट फिगर देखने वाले हैं। ईच ओवरी इज अबाउट अब ओवरी की साइज के बारे में ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड कंडक्ट टू द पेल्विन वॉल एंड यूट्रस बाय द ligaments each ovary is covered by a thin epithelium which enclose the ovarian stroma and stroma is into divide 2 zone periphellum cortex and inner medulla jaise humne testis ke jo size thi centimeter uski length uski width wo sab hum dekha tha is tarah hai hame ovary ke bare mein uske baad ovary jo pelvic ke jo pelvic wall hoti hai uske sath uterus se ligaments se joint hoti hai ligaments like one type of fibers main aapko bata du कि ये आपकी यहाँ पे पेल्विन इस तरह की कुछ आपकी ओवरी होती है ये आपकी पेल्विन वॉल है ये आपकी पेल्विन वॉल है यहाँ से ये दो लिगामेंट्स मतलब ये फाइबर से मसल्स के हेल्प से ये यहाँ पे इस तरह से जॉइंट होती है यहाँ पे भी ये पेल्विन वॉल है वहां से मसल्स निकलते हैं जिसको हमको जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं और उसके बाद ये हमारी पूरी ओवरी है। तो इस तरह से ये जो पेल्विन वॉल है उसके साथ जॉइंट हुई है उसके बाद इस कवर बाय द थी एपिथेलियम इसके बाद इसके पास कवर है बाहर का जो कवर है उसको एपिथेलियम एंड एनक्लोज द ओवरियम स्ट्रोमा उसके बाद जो स्ट्रोमा है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है बाहर का जो है पेरिफेलर कॉर्टेक्स और अंदर का जो है वो मेड्यूला। तो आइए देखते हैं मेड्यूला और पेरिफेलम कॉर्टेक्स और पूरा जो ओवरी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है यहाँ आपको बता दू यस दो मिनट ओके ये जो आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स मतलब बीच वाला जो आपका ये पूरा राउंड शेप में था जो ओव्यूल अभी मैंने दिखाया था ये पूरा उसके अंदर जो बीच में है मॉड्यूला जिसके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है ये सारे स्टेप है लास्ट हम ये अभी
हमारा टॉपिक नहीं है, हम गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ने वाले, तब आपको इस फिर से इस जो हमारा ओरियम का जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखना ही है। लेकिन अभी आपको मेड्यूला के बारे में मैं बता रहा हूँ कि बीच में जो होता है मेड्यूला, और उसके बाद जो पूरा पार्ट है वो हमारा कोर्टेक्स है, उसके पास ये जो हमारा ये पूरा पार्ट है कौन सा है, कोर्टेक्स है। तो आपको मेड्यूला और कोर्टेक्स मतलब ओवरी दो भाग में डिवाइड है, कोर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और किस तरह से गैमेट्स बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं गैमेट्स रिलीज होता है, सब हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, मेल के अंदर भी स्पर्म सेल बनने की प्रोसेस और फीमेल के अंदर भी ओव्यूम बनने की प्रोसेस हम पढ़ने वाले। तो अब आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, हमने ये जो ओवरी है उसके बारे में पढ़ लिया, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं ओवरी ओवरी डक, उसके बाद ओविडक मतलब फेलोपियन ट्यूब के बारे में, फेलोपियन ट्यूब्स किस तरह से बनती है, जो फेलोपियन ट्यूब्स का क्या फंक्शन है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, जो ओवरी ओव्यूल रिलीज करता है उसको ट्रांसपोर्ट करके यूट्रस तक पहुंचाने का काम कौन करती है, फेलोपियन ट्यूब। तो किस तरह से इस फेलोपियन ट्यूब्स का जो फंक्शन है हम देखने वाले हैं, तो ओविडक्स फेलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड वेजिनिया कंसिस्ट ऑफ फीमेल एसेसरी डग, वो सब मिलके फीमेल एसेसरी डग बनाते हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई कितनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी लेंथ है वो कितनी है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद मैं आपको बता दू एंड एक्सटर्नल फ्रॉम द पेरिफाइल्स एंड ईच ओवरी टू द यूट्रस द पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ द ओवरी इज अ फनल शेप, ओके। उसके बाद ये जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है कहाँ तक जाती है, हमारे यूट्रस तक पहुंचती। उसके बाद जो ओवरी का मतलब जो द पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप, जो फनल शेप का जो पूरा पार्ट है ओवरी के पास ही, ओवरी के पास ही फनल शेप का जो पार्ट है जिसके पास फाइब्रिन्स है उसको हमने नाम दिया है इनफ्यूडिबुलम, इनफ्यूडिबुलम उसको हम कहते हैं इनफ्यूडिबुलम। मतलब उसके पास द एज ऑफ द इनफ्लुविडियम प्रोजेक्ट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ फाइब्रिड्स, उसको हम बोलते हैं फाइब्रिड्स। जो है फाइब्रिम्स है हमारे, वो जो इस इन्फ्लुविडियम में से प्रोड्यूस होते हैं मतलब निकलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो फाइब्रिन्स है वो हमारे जो ओव्यूल, ओवरी में से जो ओव्यूल निकलने वाला है उसको इस ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर डालने वाले। उसके बाद एक पार्ट हमारा जो फनल लाइक स्ट्रक्चर पूरा हो गया जिसको हमने इन्फ्लुविडियम बोला है, और उसके आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने फिम्ब्राइड्स नाम दिया, जो आपको दिखता है वही निकला है, बहुत इजी आप अगर फिगर याद रख ले। उसके बाद एम्पुलस आता है, उसके बाद एम्पुलस के बारे में विच हेल्प द कलेक्ट द ओव्यूल आफ्टर द ओव्यूलेशन, ये फाइब्रिन्स का फंक्शन लिखा है। तो ये जो फाइब्राइड्स फिम्ब्राइड्स है वो विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओव्यूल आफ्टर द ओव्यूलेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस होने के बाद जो ओव्यूल रिलीज होता है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, फिम्ब्राइड्स करता है। द इन्फ्लुविडियम लीड टू विंडर पार्ट ऑफ द ओविडक कॉलिज इम्प्यूला। उसके बाद का जो इन्फ्लुविडियम है वो आगे बढ़ के थोड़ा बड़ा होता है, मतलब ओपन थोड़ी उसकी जो लेंथ होती है ट्यूब की, जो ट्यूब है उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, और वहां से वो टर्न लेता, वो टर्न वाला जो पार्ट है उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक इथमस हैज अ नैरो ल्यूमेन, उसके पास नैरो ल्यूमेन मतलब अब जो हम यहाँ पे एम्पुलस था, एम्पुला था वहां पे जो जगह हुई थी थोड़ी बढ़ गई थी, मतलब ये जो आप देख सकते हैं लेंथ बढ़ गई थी, अब इसमस में ये लेंथ कम हो जाएगी। नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंट द यूट्रस, और उसके बाद ये जॉइंट में वो जॉइंट के साथ जुड़ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट के साथ यूट्रस के साथ जॉइंट हुई, तो जॉइंट हो रही। तो ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब, इसके अंदर जो फोर्स टाइप के जो पार्ट्स है फेलोपियन ट्यूब्स के, वो पार्ट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, और इसका फंक्शन भी आपको याद रखना है, बहुत इजी, आप एक बार देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यूट्रस, यूट्रस का स्ट्रक्चर, ये सब जो होता है दो दो मार्क्स में पूछा जा सकता है, और एक साथ फोर मार्क के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिर्फ बता दूं मैं, ओके आप देख सकते हैं यूट्रस, यूट्रस का स्ट्रक्चर, और यूट्रस मतलब ये हमारा इतना ही पार्ट देखना है आपको, यहाँ से लेके जो इतना पार्ट है यूट्रस का, यहाँ पे देख सकता है कि आप यहाँ पे इसका 3D व्यू भी यहाँ पे दिया गया है इस फिगर के अंदर, आपकी बुक के अंदर नहीं है ये, एक्सटर्नल मैंने इमेज ऐड की है।
एक्सटर्नल इमेज मैंने यहाँ पे हेड की है, ये यूट्रस की ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, यूट्रस के जो सारी वॉल्स है वो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखते हैं, द यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट्स यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट्स ऑल्सो कॉल इज अ वॉम्ब, उसको यूट्रस को हम वॉम्ब भी बोल सकते हैं। जो वॉम्ब मतलब जहाँ पे स्पेस हो, जहाँ पे गुफा जैसा स्ट्रक्चर हो, गुफा टाइप का एक स्ट्रक्चर हो, उसको हम वॉम्ब बोल सकते हैं। हम ज्यादातर बोलते हैं कि जो चाइल्ड होता है इस यूट्रस के अंदर डेवलप होता है, मतलब इसको हम माँ की कोख भी बोलते हैं कि अपनी माँ की कोख के अंदर जो बच्चा होता है 6-7-9 महीने तक डेवलप होता है, मतलब अपनी माँ की कोख, मतलब जो ये जो कोख है उसको हम वॉम्ब, मतलब उसको इंग्लिश में नाम दिया गया है वॉम्ब, और हम ज्यादातर मूवी और हिंदी में कोख ऐसा शब्द यूज करते हैं। एक मूवीज है, आपको मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक KGF के अंदर वो सॉन्ग आता है कि माँ की कोख में पला है बच्चा, तो दैट इज अ वॉर्म, यहाँ पे वो बच्चा होता है डेवलप होता है। द शेप ऑफ द, उसके बाद आगे बात करते हैं, द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड स्पेयर, इन्वर्टेड स्पीयर, पियर मतलब क्या, जो फ्रूट्स आता है नाशपति, शायद आपने खाया होगा इस तरह के जो फ्रूट्स आते हैं, जो उल्टा फ्रूट्स होता है, उल्टे शेप का होता है, इस तरह का जो शेप टाइप एक फ्रूट्स आता है, ये जो फ्रूट्स है उसको हम बोलते हैं पियर, इन्वर्टेड पियर, पियर के इन्वर्ट, मतलब पियर इन्वर्ट हुआ है इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पियर इन्वर्ट हुआ है इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, उसका शेप है। इट्स सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, और जो ये ऑल्सो जो लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल है, ये जो पेल्विक वॉल है उसके साथ जो लिगामेंट की हेल्प से ये सपोर्टेड, मतलब सपोर्टेड, उसके पास पेल्विक वॉल के जो लिगामेंट्स होते हैं इसकी हेल्प से ये सपोर्टेड हुआ होता है पूरा, मतलब वहां पे टिका हुआ होता है, उसको सपोर्ट देते है। ऐसा ही लिगामेंट जो था यहाँ पे है, ये जो ओवरी के स्ट्रक्चर हम पढ़े तब, ये जो पूरा जो लिगामेंट्स है, मतलब ये फाइबर्स है, मसल्स है, मसल्स इस ओवरी को इस पेल्विक वॉल के साथ लिगामेंट्स के हेल्प से जुड़े रखता है। ऐसे ही ये जो सारे है आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे लिगामेंट है उसको ये जॉइंट रखता है, एक दूसरे के साथ अच्छे से पकड़ के रखता है। तो कैविटी ऑफ द कैर्विक्स इज कॉल्ड इज अ कैर्विकल कैनाल, जो कैविटी है मतलब स्पेस है उसको हम बोलते हैं कैर्विकल कैनाल, कैर्विकल कैनाल, मतलब मैं आपको इस फिगर के अंदर बता दूं, 2 मिनट, ओके द ओके कहाँ थे, ओके, द कैविटी ऑफ द कैर्विक्स इज अ कॉल्ड इज अ कैर्विकल कैनाल, कैर्विक्स मतलब क्या है आपका, द कैर्विक्स इज अ कॉल्ड इज अ कैर्विकल कैनाल, जो कैर्विक्स है द वेजेनिया थ्रोट द यूट्रस ओपन इनटू वेजेनिया थ्रोट द नैरो कैर्विक्स, ओके सॉरी एक पार्ट में भूल गया, द यूट्रस ओपन इनटू वेजेनिया थ्रोट नैरो कैर्विक्स, जो यूट्रस होता है वो कहाँ पे ओपन इनटू जो वेजेनिया, मतलब ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी वेजेनिया है, वेजेनिया से जो ये जो स्पेस है कहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे, तो ये जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं कैर्विक्स, यहाँ पे जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं कैर्विक्स, और कैर्विक्स के अंदर जो स्पेस दिखती है, कैविटी दिखती है, उसको हम बोलते हैं कैर्विकल कैनाल, वहां तक जाने वाली जो कैनाल है, ये जो कैनाल है पूरी यहाँ तक जाती है उसको हम बोलते हैं कैर्विकल कैनाल, विच अलोंग विथ वेजेनिया फ्रॉम द बर्थ कैनाल, अब ये जो कैर्विकल कैनाल है ऑल्सो इसको आगे जाके बर्थ कैनाल बनती है, क्यों, क्योंकि अगर इस यूट्रस के अंदर बच्चा फुल डेवलप होगा उसके बाद उसका बर्थ होगा तो वो बर्थ इसी रास्ते से, मतलब इसी रास्ते से, अब एक कैर्विकल कैनाल है उसी रास्ते से वो बाहर आएगा, तो अब उसको हमने नाम दिया है बर्थ कैनाल, वो आगे जाके बर्थ कैनाल बन जाती है। आपको याद रखना है यूट्रस ओपन इनटू वेजेनिया थ्रोट द न्यूरो कैर्विक्स, नैरो कैर्विक्स, यहाँ पे नैरो मतलब थोड़ी जगह ऊंची कम होती है, यहाँ से वो आगे बढ़ के यूट्रस में जाता है, और वो जो स्पेस है उसको हमने कैर्विक्स किया है, और कैर्विक्स के अंदर जो कैविटी है उसको हमने नाम दिया है कैर्विक्स कैनाल। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो ए स्पेस है, ए जो रास्ता है, कैर्विक्स कैनाल है, ये हमारा कैर्विक्स है, ये हमारा कैर्विक्स है, ये हमारी कैर्विक्स कैनाल है। अब उसके बाद में बात करूं कि ये आगे जाके क्या बन जाता है, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल बन जाता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ ये जो हमारा पूरा द एक्सटर्नल जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है, उसकी जो वॉल होती है
वॉल थ्री लेयर की बनी हुई है, वो वॉल थ्री लेयर की बनी हुई है, उसके पास द वॉल ऑफ द यूट्रस एज अ थ्री लेयर ऑफ टिश्यू, तीन लेयर की बनी हुई है। पहला लेयर हमारा ए है पेरीमेट्रियम, पहला लेयर हमारा ए है पेरीमेट्रियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं नंबर्स अनाउंस करता हूँ। ओके, जो यहाँ पे हमारा पहला लेयर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो दूसरा लेयर है मिडल के अंदर, उसको हमने नाम दिया है मायोमेट्रियम, और तीसरा हमारा लेयर है उसको हमने नाम दिया है एंडोमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इस तीन टाइप्स के लेयर से ये पूरा यूट्रस बना हुआ है। आपको मैं बता दूं, अब ये तीनों तीन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे कौन सा लेयर है। ये पेरीमेट्रियम है सबसे बाहर, पेरीमेट्रियम है वो सबसे बाहर है, मतलब द एक्सटर्नल थिन लेयर, जो बाहर का लेयर है वो हमारा है पेरीमेट्रियम। उसके बाद मैं आपको बता दूं द मायोमेट्रियम, द स्मूथ लेयर ऑफ द मसल। उसके बाद ये जो तीसरा बीच में ये जो लेयर है वो आपका कौन सा लेयर है, मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर, लास्ट में जो लेयर आपका है वो है आपका एंडोमेट्रियम, जो आपको यहाँ पे रेड पार्ट दिखता है, रेड दिखता है वो। और आपको अल्टरनेट यहाँ पे भी नाम दिया गया है एंडोमेट्रियम, मतलब जो लास्ट में रेड था है मायोमेट्रियम, मतलब ए बीच वाला। और आपको जो पेरीमेट्रियम भी यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन ओके, पेरीमेट्रियम मतलब सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, मतलब सबसे बाहर का जो ये लेयर है मैंने बताया, ऊपर आप देख सकते हैं जो लेयर है वो हमारा पेरीमेट्रियम। हमारी फिगर के अंदर एंडो एंड मायो दो ही दिखाया है, एंडो एंड मायो। उसके बाद का जो ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, थ्री डी व्यू के अंदर आप देख सकते हैं, तो पेरीमेट्रियम है। आप देखते हैं कि सबसे बाहर पेरी, उसके बाद थिक, जो मिडल थिक लेयर है वो स्मूथ मसल्स का बना है, उसके बाद उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, दैट लाइन इज ए यूट्राइल कैविटी। और वो कहाँ तक जाते हैं, यूट्राइल कैविटी तक, मतलब वो जो लास्ट हमारा लेयर है जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्राइल कैविटी तक है, मतलब यहाँ पे खत्म हो जाता है। जब यूट्राइल कैविटी मतलब ये जो हमारा कैनवीनल कैनाल के बाद जो हमारा कैनवीनल स्पेस थी, जिसको हमने नाम दिया था कैविटी ऑफ कैर्विक्स, वो जो कैर्विक्स है, कैविटी है यूट्राइन कैविटी, वहां तक ये लेयर बचा लंबा है। उसके बाद द एंडोमेट्रियम अंडरगो द साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द मेस्ट्रियल साइकिल, विल द मेयोमेट्रियम एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बर्थ। ये आपको बता दू कि फंक्शन दिया गया है कि जो हमारा एंडोमेट्रियम है, मतलब एंडोमेट्रियम मतलब आप देख सकते हैं रेड, ये जो रेड वाला है वो जब फीमेल के अंदर साइक्लिकल चेंज आते हैं, मेस्ट्रनल साइकिल, जो हर महीने एक ओव्यूल रिलीज होता है और वो अनफर्टिलाइज ओव्यूल बाहर निकलता है, उसको मेस्ट्रनल साइकिल बोलते हैं। वो साइकिल हमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हमें देखना है। अभी आपको सिर्फ नाम ही याद रखना है कि मेस्ट्रनल जो साइकिल होता है, वो मेस्ट्रनल साइकिल के दौरान कौन सा लेयर के, कौन से लेयर के अंदर साइक्लिकल चेंज आते हैं, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम यूट्रस का जो मिडल लेयर है, यूट्रस का जो इनर एयर के अंदर साइक्लिकल चेंज आते हैं। उसके बाद मैं बात कर दूं आपको दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारा सबसे बाहर मेयोमेस्ट्रियम है, उसके बाद का जो हमारा ए लेयर है मेयोमेट्रियम, ये हमारा लेयर चाइल्ड बर्थ के दौरान जब इसके जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारा चाइल्ड है, मतलब ये स्पेस कम है, अब इसमें से पूरा बच्चा बाहर निकला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये जो सारे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ओपन होते हैं, और जिसकी हेल्प से वो जो चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाती है। तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोसेस है यूट्रस की। एक लास्ट थियरी इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर था ये था हमारा यूट्रस का, और यूट्रस के अंदर ये जो पूरी प्रोसेस है वो। आई होप कि आपको यूट्रस के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटालिया, जो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बाह्य जो आपको मतलब आउटर जो सेक्स ऑर्गन दिखते हैं फीमेल के अंदर, उसके बारे में बात की है। तो उसके अंदर पहला है हमारा मोन्स, पहला है हमारा, मैं बात कर दू, पहला हमारा आउटर है मोन्स प्यूबिस, दूसरा है लेबिया मेजोरा, तीसरा है लेबियो मिनोरा, उसके बाद फोर्थ है हमारा हाइमेन, और फिफ्थ है
सिटोरिस हमारा फिर थे सिटोरिस, तो ये जो फाइव नंबर ऑफ जो एक्सटर्नल जीरेटालिया यहाँ पे प्रेजेंट है, उस सबका फंक्शन और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो मोम्स प्यूबिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोम प्यूबिस नहीं, उसके बाद की एक फिगर है मोम प्यूबिस। मैं आपको बात बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है इतना, जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर और ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, तो ये जो पार्ट है एक्सटर्नल उसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। उसके बाद लेबिया मेजोरा, उसके बाद मैं बात कर दूं लेबिया मेजोरा, तो लेबिया मेजोरा बात यहाँ पे जो एक इतना जो पार्ट है ये, और यहाँ पे जो इतना पार्ट है उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ऑल्सो ऑल्सो इज अ सेंसिटिव ऑर्गन। उसके बाद में बात कर दू लेबिया मिनोरा, उसके बाद में बात कर दू लेबिया मिनोरा, मतलब अब ये जो स्किन आपको दिख रही है रेड, जो ये पूरी जो स्किन दिख रही है आपको यहाँ पे रेड, वो जो हमारी स्किन है वो जो पार्ट है उसको हम लेबिया मिनोरा कहते हैं। वो भी पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मिनोरा, ये जो ये यहाँ पे पूरी जो ओल्ड मैन की स्किन देखते हैं आप, ओल्ड मैन की स्किन जैसे इकट्ठा हो गई है, फिक्स हो गई है, इस तरह से वो फोल्ड है, उसके जो टिश्यू है एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुए है, इस तरह से बनी है। उसके बाद हमारा आता है हाइमेन, हाइमेन मतलब जो ओपनिंग ऑफ द वेजिनिया वेजिनिया ऑफ द कवर और पार्टियली बाय द मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो हमारा जो रेड आपको दिख रहा है हाइमेन, जो यहाँ पे कवर है, मतलब ये हमारी वेजिनिया है जिसका जहां से हमारा जो मेल सीमेन होता है, मतलब हमारे जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एंटर होते हैं, तो ये जो मेल गैमेट्स है वहाँ वो अंदर एंटर होने की पहले ये हमारा जो स्मॉल आउटर बहुत थी बहुत पतला एक लेयर आया होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियली, बहुत पतला कवर हुआ होता है वेजेनिया के ऊपर उसको हम बोलते हैं हाइमेन। और उसके बाद द सिलोट, उसके बाद लास्ट हमारा सिटोरियस इज अ टीनी फिंगर लाइक अ स्ट्रक्चर। सिटोरियस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सिटोरियस। इसकी बात की इमेज में आप इसको सिटोरियस में आप बहुत अच्छा दिखा हुआ है। सिटोरियस का जो स्ट्रक्चर होता है लाइक अ मेल, सिटोरियस का स्ट्रक्चर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जैसा पेनिस होता है उस टाइप का होता है, लेकिन ये बहुत बहुत छोटा होता है, लाइक एक हमारी उंगली का एक पार्ट हो, हमारी फिंगर्स का एक छोटा पार्ट हो, इस तरह से कुछ आपको दिखता है वो। सिटोरिया इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइन एज अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मिनोरा अबव द यूट्रल ओपनिंग। आप देख सकते हैं यूट्रल जहाँ से ओपन, मतलब यूट्रल के अंदर से घुसने का जो यूट्रा के अंदर जहाँ से ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब जहाँ से फीमेल की जो यूरिनरी जो ट्रैक, मतलब यूरिनरी जो यूरेथ्रा ब्लैडर के अंदर से जो यूरिनरी ट्यूब बाहर आने वाली है और यूरिन बाहर निकलता है उसकी बॉडी के आउटर पार्ट में, तो ये हमारा जो पार्ट है उसके ऊपर, मतलब इस होल के ऊपर एग्जैक्टली सिटोरियस प्रेजेंट होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद वो लेबिया मिनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग द हाइमेन इज, अब हाइमेन की बात की गई है, हाइमेन की अगर बात करें द हाइमेन इज ऑप्टेन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। इंटरकोर्स मतलब जब अब जब फर्स्ट बार कोई फीमेल और मेल के बीच जब इंट्रेक्शन होता है, मतलब सेक्सुअली वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब ए फर्स्ट टाइम ये जो हमारा जो हाइमस है वो टूट जाता है, उसकी वजह से सडनली ऐसा होने की वजह से जो जो फॉल है वो टूटने की वजह से पेन होता है फीमेल को। और दूसरी बात की समटाइम्स ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है वो टूटने की वजह से ब्लड भी निकलता है। इन दूसरी बात की हर फीमेल के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाइमेन होता है वो जो फीमेल हॉर्स राइडिंग कर रही है, साइकिलिंग चला रही है, ऐसी जो फीमेल है जो एक्टिव है जिम के अंदर जा रही है, उसके अंदर जो है वेजेनिया का जो हाइमेन होता है, मतलब ये जो लेयर होता है वो टूट जाता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। और जो बहुत सारी फीमेल ऐसी भी होती है, ह्यूमन फीमेल होती है, उसके अंदर ये हाइमेन होता है वो लाइफ टाइम, मतलब आफ्टर द क्वाइटस। क्वाइटस मतलब सेक्सुअली तो मेल और फीमेल एक जॉइंट होते हैं वो प्रोसेस, तो वो क्वाइटस होने के बाद भी वो दोनों वो जो हाइमस वो वैसा का वैसा रहता है, मतलब हमारे जो हमारी जो पॉपुलेशन है वहां पे ऐसा माना जा रहा है कि हाइमस अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये फीमेल वर्जिन नहीं है, ये मेल वर्जिन नहीं है, इस तरह का ही जो
स्किन लेयर होता है जिसको हमने फोर स्किन नाम दिया था। पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन होता है वो अगर मेल के अंदर प्रेजेंट नहीं तो वो मेल होता है, वो वर्जिन नहीं है, और फीमेल के अंदर ये हाइमिन उसका स्किन लेयर है वो प्रेजेंट नहीं है तो फीमेल है वो वर्जिन नहीं है। इस तरह की जो सारी बातें है वो सच्ची नहीं है। वो ये जो हाइमेंस है वो दूसरी सारी एक्टिविटी जो फीमेल्स करती है लाइक बहुत सारा हार्ड वर्क करती है, उसके बाद साइकिलिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, जिम जाती है, तो तब ये दौरान भी ये हाइमेन टूट सकता है। मतलब ये इसकी वर्जिनिटी वर्जिनिटी होती है वो उसकी वो ये वर्जिन है कि नहीं ये नहीं बताता। मतलब ये उसका डिफिनेशन नहीं है कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो वर्जिन है और हाइमेन प्रेजेंट नहीं तो नॉन वर्जिन है, ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ पे लिखा है इफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज अ नॉट रियबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो ये पूरा एक्सटर्नल जिनेटेलिया है, पूरा एक्सटर्नल जिनेटेलिया की जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसके अंदर इसका मोस्ट फंक्शन है। और ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने हैं, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, हाइमेंस एंड सिटोरियस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्टिव पार्ट्स होते हैं सेक्सुअली एक्सपीरियंस के अंदर। ये सारे पार्ट्स होते हैं, उसका जो सेंसिटिविटी होती है बॉडी के दूसरे ऑर्गन से ज्यादा होती है। ओके, तो ये बात की हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। लाइक अब हम इसके अंदर दूसरी इमेज देखते हैं जिसके अंदर हमारा जो मोन्स प्यूबिस थी वो नहीं दिखाया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी इमेज है, यहाँ पे जो एयर लाइक स्ट्रक्चर है पूरा वो हमारा मोन्स प्यूबिस है। उसके बाद ये लेबिया मेजोरा, मतलब ये मैंने बात की थी, तो फोल्डिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है जो फोल्डिंग मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल से। उसके बाद ये हमारा सिटोरियस है, लाइक पेनिस जैसा लगता है, छोटा उंगली जैसा, लेबिया मेजोरा। उसके बाद जो ये पूरा व्हाइटिश भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक जो ये पूरा भाग है उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, सिटोरस, उसके बाद ये मोन्स प्यूबिक्स, और उसके बाद ये हमारी यहाँ पे आपको जो यहाँ पे क्लियर होता है उसको हमने नाम दिया है हाइमेन। ये लेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये सारे जो ऑर्गन है वो एक्सटर्नल जिनेटेलिया ऑर्गन है, एक्सटर्नल जिनेटेलिया ऑर्गन है। जैसे मेल के अंदर थे ऐसे फीमेल के अंदर भी होते हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है। तो आइए नेक्स्ट, उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, ये आपकी बुक्स के अंदर का जो फिगर है जिसके हेल्प से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होगा कि लेबिया मिनोरा कहाँ पे है, लेबिया मेजोरा कहाँ है, सिटोरस कहाँ है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब आपको पता ही है जहाँ से यूरिन बाहर आने वाला ही ये लाइन, तो ये यूरेथ्रा और ये हमारा जो वेजेनिया का जो कैनाल होता है दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये हमारा यूट्रस है पूरा, ये हमारा यूट्रस है जहाँ पे जो हमारी ये हमारा पूरा यूट्रस है जहाँ पे चाइल्ड ग्रोथ होने वाला है। ये सब मतलब आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए इससे भी अच्छी मैंने इमेज इससे पहले दिखाई है, आप वो देखते अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये भी इमेज आपको याद रखनी है, आपको ये वेजेनिया है, एनस है, ये रेक्टम है, और ये कैर्विक्स है, कैर्विक्स कैनाल। उसके बाद ये हमारी कैर्विक्स कैनाल है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये प्यूबिक सिम्फेसिस है, बहुत मतलब इजी है, इसमें कुछ है नहीं। तो इस ए बी फिगर के जो नाम है वो आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड जो फीमेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती, ये एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है ऐसा आप कह सकते हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टराइज ऑफ ऑल फीमेल मेंबर, जितने भी फीमेल मेमिलियंस है उसके अंदर ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है प्रेजेंट होती है। तो मेमोरी ग्लैंड्स आर अ पीरियर स्ट्रक्चर breast that contain a granulary tissue and variable amount of fat. Periodary structure मतलब जैसे जैसे female मतलब जो female mammals animal होते हैं वो जैसे जैसे बड़े होते इस तरह से उसकी जो breast का जो breast के पास जो muscles आते हैं वो muscles और tissue के अंदर जो fat होता है उसकी amount बढ़ती है। आप मैं आपको बता दूं कि ये जब
चाइल्ड एज में फीमेल होते हैं, तब इसकी चेस्ट है, उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उसके अंदर ये जो इस जो चेस्ट का जो ये पार्ट है वो टाइम जैसे पीडियर चला जाता है, मतलब टाइम जाता है उस तरह ये मतलब आफ्टर पीडियर पीरियड स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड आ रहा है, पीरियड स्ट्रक्चर कंटेन ग्लैंडुलर वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट, मतलब जैसे उसके अंदर ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके बाद इसके अंदर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके बाद ये जो उसके अंदर जो फैट है आप यहाँ पे देख सकते हो फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट आना शुरू हो जाता है, मतलब उसके अंदर उसके जो साइज होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। The granular tissue of the each breast, इसके अंदर granular tissue आते हैं, granular tissue of the each breast individual into 50 to 20 mammarial lobes, वो जो सारे टिश्यू होते हैं वो क्या बनाते हैं उसके अंदर 15 से 20 मेमोरियल लोब्स बनाते हैं। लोब्स मतलब तो आपको पता ही है, आप देख सकते हैं मेमोरियल लोब्स में आपको बताता हूँ, यस ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे लोब्स है, मतलब 15 से 20 ऐसे मेमोरियल लोब्स होते हैं। इस लोब के अंदर contain a cluster of the cell called is a alveol, इसके पास ऐसा cluster और space है जिसके अंदर milk store होता है, उसको हमने नाम दिया है alveol, उसको हमने नाम दिया है memory alveols। आप देख सकते हैं यहाँ पे memory lobes, उसको बाद memory alveols, उसके बाद उसको alveol भी बोल सकते हैं। जैसा आपके heart sorry आपके जो lungs होते हैं, lungs के structure आप 11th के अंदर पढ़ गए, उसके अंदर आप alveol like ऐसी बैग लाइक का स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं जिसके अंदर जो ऑक्सीजन O2 CO2 इकट्ठा होता है, इस तरह ही यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर एलवेल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर द सेल ऑफ एलवेल सीक्रेट अ मिल्क, इसके सेल मिल्क सीक्रेट करते हैं विच इज अ स्टोरेज इन द कैविटी ऑफ ह्यूमन ऑफ एलवेल, इसकी जो कैविटी होती है उसके अंदर ये जो मिल्क होता है वो स्टोर होता है। द एलवेल ओपन इनटू मेमोरी टेब्यूल्स, ये जो एलवेल होते हैं ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये जो मेमोरियल मेमोरियल ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइन होती है उसको ओपन करती है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ओके। मेमोरियल डग मतलब ये जो मेमोरियल ट्यूब्यूल्स दिखती है आपको मेमोरियल डग ट्यूब और डग का मीनिंग क्या होता है उसको ओपन करते है, यहाँ से मिल्क इसके अंदर से बाहर निकल के ये निप्पल की हेल्प से बाहर आएगा। उसके बाद उससे आउटर जो लेयर है उसको नाम दिया है एरोरा, उसको हमने नाम दिया है एरोरा। इसके बाद जो यहाँ पे पीछे वाले जो स्ट्रक्चर आपको दिया है जिसके पास रिब, रिब मतलब आप देख सकते हैं कि चेस्ट के पास जो रिब्स आते हुए है वो रिब्स तो प्रेजेंट है ही, यहाँ पे देख सकते हैं 11th के अंदर हम रिब्स पढ़ गए, मसल बिटवीन द रिब्स, उसके बाद जो मसल्स के साथ रिब्स जॉइंट है, उसके बाद प्रोक्टोरियल्स मेजर्स मसल, पेक्टोरियल्स मेजर मसल, जो पेक्टोरियल्स मेजर मसल होते हैं जो वो जो लेयर है पेक्टोरियल मसल्स जो मेजर मसल्स है वो क्या करते हैं आपको मैं बता दूं कि ये जो पेक्टोरियल मसल्स मेजर है वो जो एक पूरा जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है उसको और रिब्स के जो मसल्स है उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है जिसके दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहे, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहे। तो आप बहुत अच्छा है और मजेदार पूरा टॉपिक है, अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प है। लोब जॉइंट यहाँ पे लिखा है ओव्यूल ओपन द मेमोरियल डक्ट्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंट द मेमोरियल डक्ट्स, सेवरल मेमोरियल डक्ट्स जॉइंट फॉर्म अ विंडर मेमोरियल एम्पुला व्हिच इज अ कनेक्ट टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रोट द व्हिच मिल्क इज अ सक आउट, यहाँ से हम मिल्क सक कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप पूरा स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारा जो यहाँ तक था वो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जिसके अंदर हमने ओवरी का स्ट्रक्चर देखा, जिसके अंदर यूट्रस का स्ट्रक्चर देखा, जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑर्गन थे उसके बारे में देखा, और हमारा चौथा था मेमोरियल ग्लैंड उसके बारे में देखा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जिस स्लाइड के ऊपर मैंने रेड वर्ड से लिखा है वहां से मतलब टॉपिक स्टार्ट होता है। आपकी बुक्स के अंदर सब पैराग्राफ एक साथ दिए गए हैं, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ किसके अंदर लिखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।